तो नमस्ते सभी को। आज हम बात करेंगे अबाउट ईज़, ईज़। देखो, ये जो ईज़ है ना, ये समझाता है कि अभी क्या हो रहा है या फिर वर्तमान में क्या हो रहा है। ओके, उसको समझाने के लिए ईज़ का यूज़ करा जाता है वर्बों के साथ एंड अदर स्टफ थिंग्सों के साथ, जिससे इंग्लिश का जो सेंटेंस है और वेल फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है।